मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके उड्डयन मंत्रालय के माननीय हमारे मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 15-16 माह के अंदर इतना बड़ा काम हो सकता है, इस अवसर पर माननीय महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, श्रीमान सिंधिया जी, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और केवल ये एयरपोर्ट नहीं बना है, विकास का एक नया कीर्तिमान बना है। माननीय प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से जुड़ करके पूरे देश के विभिन्न प्रकार के 15 एयरपोर्ट का आज लोकार्पण किया है। और ये जो सुविधाएं बढ़ रही है, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वो मजबूत इरादा जिसमें वो सब क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं। और आज के ज़माने में बदलते समय में ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में, जिस ढंग से हमारे उड्डयन मंत्रालय ने काम किया है, ये विश्व कीर्तिमान की तरह बढ़ रहा है मेरी अपनी ओर से। और इसमें खास बात ये भी रखी गई है कि एयरपोर्ट केवल सुविधा का केंद्र नहीं, वो हमारी प्राचीन अतीत गौरवशाली इतिहास को भी सबके सामने ला करके प्रदर्शित करें। और इसलिए अलग अलग प्रकार की पुरानी प्राचीन विरासतों को सहेजने का काम किया है, कुटीर उद्योग को जोड़ने का काम किया है, जो हमारी कलाएं हैं वो जो विकसित होने वाली समय में इसकी आज और अत्यंत आवश्यकता समाज के सामने लाने की, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से ये एक तरह से एकता में एक छोटा सा गुलदस्ता बना है जिसके माध्यम से सभी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से एक बड़ी सौगात की ग्वालियर और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों निश्चित रूप से हम